कमर का एरिया चौड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? या फिर जो लड़कियां अनमेरिड होती हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन शादी के बाद जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनका जो कमर का एरिया है उनकी साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, हिप्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको इस वीडियो में आज पूरा बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर आप देखते हैं किसी महिला को, किसी लड़की को, तो शादी से पहले लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हुआ होता है, उनका जो फिगर है वो बिल्कुल शेप में होता है, बिल्कुल मेंटेन किए हुए होती है लड़कियां, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वहीं उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, उनका हिप्स, उनके कमर काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे काफ़ी कारण है। सबसे पहला कारण तो वही है जो आपके दिमाग में चल रहा है, एरिया है वो बड़ा होने लग जाता है। तो सबसे पहला बिल्कुल सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्स करने की वजह से भी ऐसा होता है, 100% ये सही है। लेकिन इसके और भी कारण है, सेक्स के अलावा इसके और भी कारण है। सबसे पहला कारण तो यही हो गया कि अगर आप रिलेशन में जाते हैं, किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो इसके कारण ऐसा होता है क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। दूसरा कारण ये होता है कि शादी के बाद लड़कियों की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, जहाँ वो शादी से पहले उनका काम ज़्यादा नहीं होता है, वो अपने फिगर को मेंटेन करने में लगी होती है, शादी के बाद वहीं उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, खाना बनाना, सब कुछ करना, तो वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है। अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाने के कारण वो अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं रख पाती है, जिसके कारण उनका शरीर बिल्कुल बिगड़ जाता है, उनका शरीर का जो शेप है वो बिगड़ जाता है, और उनका जो कमर का या फिर पूरा बॉडी का फैट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है, और हिप्स भी बड़े दिखने लगते हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया। कि तीसरा कारण यहाँ पर होता है एज। अगर आपकी बढ़ती एज या आपने 30+, 35+ आपकी एज हो गई है, तो एज, बढ़ती एज के साथ साथ जो आपका कमर का जो नीचे का एरिया है वहाँ पर चर्बी जमने लगती है, वहाँ पर फैट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एजिंग का भी कारण होता है। एजिंग, बढ़ती एज में अगर आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दिया, अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं करा, तो सबसे पहला जो असर होगा वो आपके हिप्स और आपके कमर पर होगा, यहीं से आपके मोटापे की शुरुआत होती है। बाकी बॉडी फैट बाद में बढ़ता है, लेकिन जो कमर और हिप्स का एरिया है ये सबसे पहले बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। तो एजिंग के कारण ऐसा होता है। तो अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपको स्पेशल अपनी बॉडी को मेंटेन करने पर ध्यान देना होगा, ठीक है। चौथा जो कारण होता है वो होता है एक्सरसाइज का रेगुलर नहीं करना। अगर आप एक्सरसाइज पहले रेगुलर करती थी और आपने एक्सरसाइज को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, बंद कर दिया, आप एक्सरसाइज नहीं करती है, जिसके कारण क्या होता है कि शादी से पहले तक तो आप मेंटेन दिखती थी, फिगर आपका अच्छा था, लेकिन शादी के बाद जैसे ही आपने एक्सरसाइज छोड़ी, आपका जो बॉडी फैट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आपका मोटापा बढ़ने लगता है। तो अगर आप चाहती हैं इन सब चीज़ों से बचना, तो आपको यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा, जिससे आपका जो कमर का एरिया है या फिर जो आपका मोटापा है वो धीरे धीरे कंट्रोल में रहे। अगर आपने एक्सरसाइज छोड़ दिए तो आपका फैट फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कुछ कारण थे आपके जो हिप्स का एरिया है, जो कमर का एरिया है, चौड़े हो जाते हैं, उसके होने का क्या कारण है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।